कई बार बहुत बहुत बड़ी कैजुअलिटी घर के अंदर हो जाती है उस समय, चलो ठीक है कोई बात नहीं। गुरुदेव ने इन शब्दों के साथ मेरे खुद के व्यक्तित्व को विकास करने में कितनी बार क्षमादान दिया है मुझे याद तक नहीं है। कितनी बार मुझसे गलती हुई, गुरुदेव ने हाँ चलो कोई बात नहीं ऐसा कह के टाला, कई बार डांटा और संभाला भी, कई बार पनिशमेंट और प्रायश्चित भी बहुत जबरदस्त दिए कि बिनम तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। लेकिन कितनी बार मैंने देखा, जब मैंने गुरुदेव की आड़ को लेकर के कई बार कभी किसी से तेज बोल दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, सुनकर भी कई बार उनने अनसुना कर दिया, जब मौका मिलेगा तब इसको समझा देंगे। गुरुदेव का तो हमेशा सूत्र है, गुरुदेव कहते हैं मैं टिक टिक के जैसा हर मिनट हर सेकेंड में आवाज़ नहीं करता, मैं घंटे की जैसी आवाज़ करता हूँ, एक बार बरसता हूँ और आदमी को पूरा बदल देता हूँ। ये गुरुदेव का सूत्र है। वो कहते हैं टंकार करनी है तो सेकंड के काटे जैसे हर सेकंड में टिक 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 मत करो, हर मिनट जैसी भी मत करो कि एक मिनट में अपने जीवन में बदलाव दिखाने लगो, घंटे जैसी करो। एक बार बजेगा लेकिन आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को चेतना को झंकृत कर देगा। गुरुदेव का प्रत्येक प्राश्चित, प्रत्येक दंड, प्रत्येक अनुभव किसी ना किसी ऐसे घंटे की टंकार है बंधुओं, कि उस टंकार के माध्यम से एक साधु नहीं सुधरता, एक साधु के माध्यम से पूरा संघ सुधरता है। आचार इसके मामले में इतने कठोर हैं कि उनकी कठोरता देखने लायक है, इसलिए बार बार लोग यहाँ तक आते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेने का प्रयोग अपनाने का स्वीकार करते हैं, धीरे से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े उस्ताद के हाथ में रहना सबके बस की बात नहीं है, बहुत मेहनत कराते हैं गुरुदेव, तब जाकर के उनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। महाराज बहुत धीमा चलता है आपके संघ का सिक्का, महाराज बात ही नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने एक बार और कहा, जब ये बोला किसी ने कि महाराज आपके ये सिक्के चुपचाप बैठे रहते हैं आपके संघ के अंदर, इधर को देख लो, इनको देख लो, चुप बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं, और संसार में देखो कितने सारे लोगों की कितनी बड़ी बड़ी प्रभावना है। एक शब्द निकल गया, बैड क्वाइन मूव फास्टर। समझते हैं, खोटा सिक्का उसमें गति ज्यादा होती है, चांदी का सिक्का बाजार में नहीं चलता, जेब में रखने का आनंद अलग होता है। लोहे का खोटा सिक्का, लोहे का नोट, एक सड़ा नोट 2 रुपए का हो जिसमें बहुत सारी टेप लग गए हो, कौन रखना चाहता है उसको अपने हाथ में? हर चाहते हैं भैया इससे कुछ खरीदो, उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो खोटे में गति कई बार बहुत तेज आ जाती है, और संपन्न लोग सोने का क्वाइन बनाया हो भारत सरकार का, उसको पैसा दे के खरीदते हैं लेकिन तिजोरी में रखते हैं। बंधु ये अपने अपने सोच का खेल है। तो कहीं कहीं ना कहीं वो त्याग के माध्यम से, उस संयम के माध्यम से, उस सोच धर्म के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से, मार्जव के माध्यम से भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है हम लाना चाहें तो।